एक बार कोई पूछता है कि साहब राजस्थान वालों ने क्या किया, 500 साल तक दिल्ली सिक्योर रही। पशु यदि धमकाने से बाहर नहीं निकले तब लठ उठाने पड़ते हैं। संस्कृतियों की, देशों की, सभ्यताओं की रक्षा करने के लिए मरना पड़ता है। हमारे वाले लड़े थे, मरे थे, भिड़े थे, तब जाके तुम 500 साल तक बचे रहे। हम हारे उस दिन, दिल्ली का काया पलटी कर दिया तुम, दिल्ली पर बाद में दोबारा कभी नहीं आ पाए। लास्ट हम ही थे जो दिल्ली पे थे। हमारे बाद में दिल्ली हमेशा विदेशियों के पास रही है। हमारे बाद में पृथ्वीराज चौहान के बाद में दिल्ली किसी हिंदुस्तानी के पास आई तो जवाहरलाल नेहरू है। हालात ये थे हमारे राजस्थान के कि घर के अंदर 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग नहीं थे, या तो बच्चे थे या महिलाएं थी। तब मुझे राजस्थान की महिलाओं को यूं नतमस्तक होने का जीव करता है कि 500 साल तक जब सारे के सारे पुरुष लड़ रहे थे, उन्होंने परिवार कैसे संभाला। राजस्थान का इतिहास इतिहास नहीं है, रक्त रंजित है, खून पिया इस धरती ने, इसलिए बारिश की आवश्यकता महसूस नहीं भी कभी। तब जाके कोई 500 साल तक यज्ञों को, मंदिरों को, मूर्तियों को, गायों को, महिलाओं को बचा पाए थे।